हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ESL तंबीज। आज हम जो यूनिक एक्सपर्ट में अभी तक क्या अपडेट हुआ उसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो इस केस में जो नवीन की बेल वाली जो केस है, जो यूनिक एक्सपर्ट की केस है, उस केस में जो एडवोकेट, जो लॉयर जो इन्वॉल्व है वो एक्स फौजी है। उनका नाम है बाके नादन, वो एडवोकेट भी है और वो पुराना फौजी भी है। तो इसलिए एक फौजी का दर्द क्या है, और जो हिंदी वाला के लिए, जो हिंदी लैंग्वेज सुनते हैं तमिलनाडु के अलावा, उनके लिए ये वीडियो है। पक्का ये वीडियो जरूर देखना, और खास करके जो इस केस में जो इन्वॉल्व जो लॉयर है उन जो क्या बता रहे हैं वो सुनना, और उसके ऊपर अमल करना नहीं करना आपकी मर्जी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, उस लॉयर के पास आपको जाना है तो आपकी इच्छा है, उस लॉयर के पास नहीं जाना है वो भी आपका इच्छा है। और मेरा मेन मकसद इस वीडियो डालने का ये है, क्या हो रहा है खास करके जो तमिलनाडु के अलावा बाकी जो स्टेट में है उनको ये पता नहीं चलता। यहाँ पर हम तमिल में बात करते रहते हैं, या मेरी जो यूट्यूब चैनल वीडियो है तमिल में होता है, तो उनके लिए मैंने एक हिंदी में वीडियो डालने के लिए सोचा था। तो एडवोकेट बागेनंदन सर को मैंने रिक्वेस्ट किया, तो सर ने अपनी वॉइस मैसेज भेज रखा हिंदी में, तो वो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। आप खुद सुनना, मैं जो बोल रहा हूँ गलत है सही है आप सोचो मत, लेकिन जो इस केस में अभी तक कोई भी लॉयर दूसरा इन्वॉल्व नहीं है, ये जो केस है ये नरेश सर के थ्रू अभी तक तकरीबन 80 बंदे लोग लगभग इस केस में, नवीन का जो बेल कैंसल वाली जो यूनिक एक्सपर्ट वाली जो केस है उस केस में इन्वॉल्व हो रखा। इसके अलावा और किसी का पिटिशन नहीं है, और ये दो लॉयर है, एक लॉयर का नाम है बाके नादन, वो पुराना फौजी है और वो अभी कर रहे हैं, उसके बाद एक लॉयर का नाम है कृष्णन। ये दो लॉयर के अलावा तीसरा लॉयर नहीं है करके मैं ऑलरेडी एक मेरी यूट्यूब चैनल वीडियो में डाल रखा विथ एविडेंस का साथ, जिसको भी जो भी डाउट है जो भी चीज है आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। इसमें बीच में बहुत सारे आदमी गुमराह कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है, हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन जो सच है, जो सच्चाई बात है वो विद एविडेंस के साथ मैं बता रहा हूँ। अभी इस वीडियो में जो लॉयर है बाके नादन सर पुराना फौजी, उनका मोबाइल नंबर मैं दे दूंगा, और जो दूसरा एक लॉयर है कृष्णन वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, उनका भी मोबाइल नंबर दे देता हूँ। जिसका भी जो भी डाउट है, जो भी चीज़ है, खास करके कॉल मत करना, कोशिश करना व्हाट्सअप करने का। जो उनका दूसरा और भी बहुत सारे केस है, ये दोनों हाईकोर्ट का लॉयर है, उनके पास बहुत बिजी रहता है, आपको कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं मिलता है। तो मेरी इस वीडियो को एक रिक्वेस्ट है, उनको कॉल मत करना, खास करके SMS करना या व्हाट्सअप करना, जो भी डाउट है वो हम उसको पक्का जरूर बताएंगे। मेरे को उन लोगों ने प्रॉमिस कर रखा, जो भी बंदा मैसेज करके कॉल करके पूछता है तो उनको मैं अपडेट दूंगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करने से यूनिक एक्सपोर्ट का संबंधित जो भी अपडेट है मैं पक्का जरूर देता हूँ। थैंक यू। इस वीडियो में देख लो, जो इस केस में जो इन्वॉल्व वाला जो लॉयर है बाके नादन सर पुराना फौजी एक्स आर्मी, वो उन लोगों ने क्या बता रहे हैं तो सुनना। एक्स सर्विस मैन एंड सर्विस पर्सन एंड पब्लिक, ये सबको एडवोकेट बी बॉय, एडवोकेट बाके नादन और एडवोकेट कृष्णन की तरफ से नमस्कार है। हमने यूनिक एक्सपोर्ट के बारे में अभी बात करना चाहता हूँ। 19 तारीख को जो यूनिक एक्सपोर्ट का MD जो है नवीन, उसका बेल डिसमिस हुआ है। इस कारण से उसका बेल डिसमिस हुआ है, हमारा पास 80 के मतलब 80 आदमी के ज़्यादा आदमी हमारे पास आया था। हमने कोर्ट में उसके लिए जज साहब के पास बात किया है, बात किया मतलब इंक्वायरी में बात किया है। क्या बोला है, इस जो 84 आदमी हैं उसका जो पैसा हर एक वेरियस स्कीम में जमा किया हुआ है उसका कम से कम 30 करोड़ रुपए है। वो 30 करोड़ रुपए को आप कोर्ट में जमा करवा दीजिए, उसके बाद
वो जो नवीन है एमडी है, जो यूनिक एक्सपोर्ट का एमडी है, उसका आप बेल में छोड़ने से हमको कोई परवाह नहीं है। लेकिन उन्होंने ये पैसा जमा जमा नहीं किया है, इसलिए उसका बेल जो 19 तारीख को कैंसिल किया उसका उसका पहले भी डिसमिस हुआ, दो बार उसका डिसमिस हुआ है। जब वो पैसा कोर्ट में जमा करेगा तब उसको बेल मिलेगा। ये एक्शन हमने ले चुका हूँ। और दूसरा एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो FIR डाला हुआ है, एक नवीन, दूसरा मुत्तुचेल्वन, एक नवीन MD है और मुत्तुचेल्वन वन ऑफ द डायरेक्टर है, ये दो आदमी के ऊपर एक FIR डाला हुआ है। उस FIR में मुत्तुचेल्वन ने मुत्तुचेल्वन नहीं है, वो जो नवीन है उसको अरेस्ट किया हुआ है एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट में उसका लुकआउट नोटिस दिया है, लुकआउट नोटिस को ऊपर उसने अरेस्ट किया है। दूसरा एक मुत्तुचेल्वन है, उसको जो आंध्रा बॉर्डर में एक सर्विसमैन और सर्विस पर्सन पकड़ के एक लोकल तमिलनाडु लोकल पुलिस स्टेशन में सेलम के पास उन्होंने हैंड ओवर किया था। लेकिन उन्होंने क्या बोला है, ये FIR DCP में डाला है, उसके बाद ये फाइल EOW में हमने भेज दिया है। लेकिन EOW में क्या बोला है, ये फाइल अभी तक हमारे पास नहीं आया है, इसलिए उनको मुत्तुचेल्वन को पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया है। हम मतलब मैं और ये जो एडवोकेट कृष्णा दोनों, इसका हमारा साथ कम से कम 40 आदमी चेन्नई में IG ऑफिस में, इंस्पेक्टर जनरल ऑफिस में जाके उस फाइल को ईरोड EOW इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग में भेजने के लिए बहुत कोशिश करके कल उस फाइल को सिग्नेचर सब कुछ कार्रवाई खत्म करके उसको भेज दिया है। भेज दिया है। लेकिन अभी जो मुत्तुचेल्वन में अरेस्ट करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आप लोग मुत्तुचेल्वन को कहाँ है वो, कहाँ पर है वो, मतलब उसको जो न्यूज़ आपने पुलिस स्टेशन में देने से उसको आराम से अरेस्ट कर सकता है, तब आप लोगों का पैसा मिलेगा। और ये भी मैंने बोलना चाहता हूँ, जो पॉलिटिशियन है, जो टीम लीडर है और गुंडास है, ये किसी के पास जाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। उसका एक ही तरीका है, वो क्या है, आप लोग किसी एडवोकेट के पास आप जाइए, आप कोर्ट में आपका पिटिशन डलवा दीजिए, वो इंक्वायरी चलेगा, उसके बाद ही आपको पैसा मिलेगा। उसके पहले आप किसी से भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। उन लोग बोलेगा हमने लीडर लोग बोलेगा हम पैसा आपको दिलवा देंगे, वो बोलेगा हम पैसा आपको दिलवा देंगे, ये नहीं होगा। ये सब इसका इस केस का सबका पैसा आपका कोर्ट के ऊपर ही मिलेगा, कोर्ट में जमा करेगा तब आपको मिलेगा। इसलिए आप कैसा भी किसी का भी आप मतलब एडवोकेट थ्रू एडवोकेट किसी भी एडवोकेट के साथ आप कोर्ट में केस फाइल करवा दीजिए, आपका नाम पर इंडिविजुअल नाम पर आप फाइल करवा दीजिए, तब आपको पैसा मिलेगा, नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा।